हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का इंग्लिश विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे 2022-23 का, जिसमें ये पैसेज दी हुई है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। हु गिव द सिग्नल, गेम टीचर, हाउ मैनी गर्ल आर अहेड इन द रेस, 5 हु फॉल डाउन इन द रेस, शोभा, सी लिव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स। इसमें हमें प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन क्या है? इस वाले में हमें वर्ब बताना है, तो रेस हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, मोनू हैज राइट अ लेटर, एक लेटर लिखा हुआ है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाले हमें यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, तो उसमें भरना है। तीसरे क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप ये क्वेश्चन, द मैंगो ट्रीज माई विलेज इज ईयरली, क्या हो जाएगा, 40 ईयरली ओल्ड, इट गिव्स अस मैंगो, दे आर स्वीट, ये हो जाएगा, माई मदर मेक्स जूस एंड पिकलेस विथ देम। मैच द, मैच करना है इसमें आई एम का, ये पहला हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, देख लेंगे। राइट ट्रू फॉल्स बताएं, धेनु वाज वॉशरमैन, ये ट्रू हो जाएगा, द मून बीम क्लाइंब अ ट्री फॉल्स हो जाएगा, इट वांट टू सी इफ यू आर इन योर बेड, ये ट्रू हो जाएगा। राइमिंग वर्ड लिखना था, स्काई ट्राई बाई हो जाएगा, वे डे पे चिन पिन ट्विन ऐसे लिख लेंगे। मेक न्यू वर्ड बाई ज्वाइनिंग वर्ड, तो हैंड को ये जोड़ के न्यू वर्ड बताना, जैसे हैंड बैग, हैंडमेड, बॉट ट्यूब, बाथरूम, रेनबो, रेन वाटर, ये हो जाएगा। सिक्स वाले क्वेश्चन में देखेंगे। राइट इंडोर और आउटडोर गेम्स, इंडोर मतलब घर के अंदर कौन कौन से खेले जाते हैं, आउटडोर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, उनके नाम लिखना है। इंडोर जैसे हो गया कैरम बोर्ड, हो गया पासे वगैरह हो गया, और आउटडोर में क्रिकेट, फुटबॉल। राइट स्पेलिंग विथ मीनिंग, इसमें लिखी है, देख लेंगे। आठवें क्वेश्चन में राइट एनी 6 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है। नौवें क्वेश्चन, राइट आंसर दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर लिखने हैं। दसवें वाले क्वेश्चन में भी सेम वही करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है पहले नंबर चौथे का। दूसरे वाले में राइट शॉर्ट नोट लिखना है, इस चित्र को देख के हमें शॉर्ट नोट एक प्रकार से लिखना है। तीसरे वाले में राइट एनी 10 सेंटेंस लिखना है, या माई काऊ के बारे में, या काऊ के बारे में, या एनी फेस्टिवल के बारे में। चौथे वाले में रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट आंसर, इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर इसके नीचे लिखे हुए हैं, तो ये आंसर देना है। पहला, दूसरा, ये लगातार 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेंगे।